हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अपने दोस्तों के और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छा व्लॉग, बहुत ही ख़ास व्लॉग होने वाला है आप सबके लिए। व्लॉग को लास्ट तक देखें और व्लॉग को स्किप ना करें। तो चलिए चलते हैं अपनी लोकेशन पे। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यह है बाबा गंगाराम स्वामी जी का मंदिर जो हमारे ग्राम में पड़ता है, गांव में पड़ता है। और यहाँ पे बाबा गंगाराम स्वामी जी ने समाधि ली थी। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो नए लोग जुड़े हैं चैनल पे और जो अभी नहीं जानते हैं बाबा के बारे में, अगर आप लोग वो बातें सुनेंगे शायद आपको विश्वास नहीं होगा। बहुत ही जल्द बनाएंगे बाबा गंगाराम स्वामी जी के ऊपर भी एक छोटा सा व्लॉग। चलिए बाकी अब चलते हैं अपनी लोकेशन पे और आपको आज का व्लॉग दिखाते हैं। समय हो चुका है 7 बजने वाले हैं, अपने कुछ भाई अपना वेट कर रहे हैं, तो पहुंचते हैं उनके पास और फिर अपनी लोकेशन पे चलते हैं उनके साथ और आपको दिखाते हैं आज का एक ख़ास व्लॉग। तो चलिए चलते हैं। भाइयों के पास, ये रहे अपने दोनों भाई। ये अपना भाई वत्सल और ये है दिव्यांशु। तो चले भाइयों, चलो। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। भाइयों पहुंच चुके हैं पूरा महादेव मंदिर, जिसे परशुरामेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर से। Thank you.
आइयो आपने मंदिर परिसर के अंदर का तो सब देख ही लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे यहाँ से जुड़े हुए रहस्यों और यहाँ के इतिहास के बारे में। यह है हमारा परशुरामेश्वर मंदिर। यहाँ पे काफ़ी समय पहले हस्तिनापुर के एक राजा थे, वो यहाँ पे आते हैं शिकार खेलते हुए और यहाँ पे हमारे जो भगवान थे परशुराम जी उनका आश्रम में आ पहुँचते हैं। वहाँ पे उनके पिताजी की अनुपस्थिति में वो उनकी माताजी मिलती हैं जिनका नाम रेणुका जी था। उनसे वो अपना उनका आदर सत्कार करती हैं। उसके बाद वहाँ पे जो उनकी गाय थी कामधेनु, जिनके बारे में तो सभी जानते हैं, ज़्यादातर काफ़ी पुराना इतिहास रहा है कामधेनु गाय का, उन्हें वो पसंद आ जाती है। तो वो उनकी माँ परशुराम भगवान की माताजी से बोलते हैं गाय ले जाने के लिए, वो हट जाते हैं तो उनकी माताजी मना करती हैं। उसके बाद जब वो नहीं मानती हैं तो वो उनकी माताजी को ही ले जाते हैं वहाँ से, उनकी माताजी को ही वहाँ से ले जाते हैं और अपने महल में ले जाके एक कमरे में उन्हें बंद कर देते हैं। जब रात्रि का समय होता है तो राजा की जो बहन थी वो अपनी बहन से बोलती हैं जो रानी थी कि वो जो दरवाज़ा है उसे खोल दे और उन्हें यहाँ से जाने दे। वहाँ से वो आ जाती हैं और सीधा आश्रम में आती हैं। आश्रम में आने के बाद वो परशुराम जी के जो पिताजी थे उनसे बताती हैं उनके साथ जो भी घटना घटती है, तो वो थोड़े नाराज़ हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर और वो उन्हें आश्रम छोड़ने के लिए बोलते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया गया था। वो नहीं मानते तो वो कहती हैं कि जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और वो पवित्र हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनका वध कर दें ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके पश्चात उनके जो पुत्र होते हैं परशुराम जी के जो और तीन भाई होते हैं उनके पिताजी उनसे बोलते हैं कि अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो, तो वो तीनों मना कर देते हैं। फिर भगवान परशुराम से बोलते हैं तो वो अपने पिता की बात को मानते हुए अपना पुत्र धर्म निभाते हुए वो अपनी माता जी का सर धड़ से अलग कर देते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत पछतावा होता है। तो वो उसी वन में थोड़ा आगे जाके एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद वो वहाँ पे अपना पूजा करते हैं और काफ़ी समय बाद भगवान शिव जी उनसे प्रसन्न होके उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होके अपने दर्शन देते हैं। तो वो कहते हैं जो परशुराम भगवान थे वो बोलते हैं कि उन्हें अपनी माता जी पूर्ण जीवित चाहिए, तो भगवान शिव उनकी माता को पूर्ण जीवित कर देते हैं और उन्हें एक साथ में एक फरसा देते हैं और बोलते हैं कि कभी भी आगे चल के अगर किसी भी युद्ध में इसका उपयोग करोगे तो हमेशा विजय की प्राप्ति होगी। कुछ समय बीत जाता है तो भगवान ने जो मंदिर की स्थापना की थी शिवलिंग की स्थापना की थी वो खंडर में तब्दील हो जाता है। उसी बीच उससे पहले जो राजा थे हस्तिनापुर के सहस्त्रबाहु जिन्होंने ये सब कृत्य किया था उनकी माताजी को ले गए थे, भगवान परशुराम गुस्सा हो जाते हैं जो भी हुआ था उसे लेके और सहस्त्रबाहु का जो साम्राज्य था उसे ख़त्म कर देते हैं। कुछ समय धीरे धीरे बीत जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पे एक रानी वहाँ से गुजर रही थी अपनी सेना के साथ। उसमें हुआ ऐसा जहाँ पे शिवलिंग थी जब वो सब खंडर हो गया था शिवलिंग मिट्टी के नीचे दब चुकी थी, तो जो रानी का जो हाथी था वो शिवलिंग के पास जाके रुक जाता है और आगे बढ़ता नहीं है। तो ये सब देखते हुए जो उनका महावत होता है रानी उससे कहती है कि महावत क्या परेशानी है और हाथी आगे क्यों नहीं चल रहा है। तो महावत कहता है कि रानी कुछ समस्या है, हाथी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। रानी अपने सैनिकों को बुलाती है और वहाँ पे खुदाई करने के लिए कहती है। वहाँ पे खुदाई कराई जाती है, उसमें शिवलिंग निकलती है। रानी उस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराती है
और कुछ समय बीतने के बाद यहाँ पे हमारे ऋषि शंकराचार्य जी भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे पूजा पाठ की थी। उन्होंने समिति का गठन किया था जिसके संचालन में आज भी हमारे परशुरामेश्वर मंदिर, जिसे पूरा महादेव मंदिर भी कहते हैं, उसका संचालन चल रहा है। तो यही था परशुरामेश्वर मंदिर का इतिहास। अगर आप सभी को हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आएंगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तब तक आप इस व्लॉग को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।